क्वेश्चन में कहा है प्रूव दैट दिस इक्वल टू 2 cosec थीटा, ठीक है LHS ले लो। sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1 प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1, ठीक है। अब लिख लो उसको, sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1 प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। एलसीएम ले ले, एलसीएम क्या आएगा, sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1, ये यहाँ मल्टीप्लाई sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये यहाँ मल्टीप्लाई sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट से स्क्वायर कैंसिल, sec थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया sec थीटा प्लस sec थीटा 2 sec थीटा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, 10 स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसकी जगह रख दो क्या 10 स्क्वायर थीटा, तो 2 sec थीटा अपॉन 10 स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आया 2, ठीक है। sec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ले लिख लो पहले, चलो sec ही लिख लो sec थीटा अपॉन 10 थीटा। अब इसे जरा साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो 2 sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, और साइन को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos से cos कैंसिल, सो वी गेट 2 इंटू 1 अपॉन sin थीटा, एंड 1 अपॉन sin कितना होता है cosec, तो 2 cosec थीटा इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाई। फॉर्मूले कौन कौन से यूज हुए, sec स्क्वायर थीटा हुआ, उसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा यूज हुआ, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा यूज हुआ, तो ये सारे फॉर्मूले। एक और यूज हुआ क्या, 1 अपॉन sin इज 1 अपॉन sin थीटा इज cosec थीटा, तो ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे यूज हुए, ठीक है।